हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मैं राहुल वैष्णव आपका स्वागत करता हूँ। और हम अब तक एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो अपना प्रथम वर्ग के तत्व है सारी धातु हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे, और आज हम पढ़ेंगे वर्ग सेकंड यानी सारी मर्दा धातुओं के बारे में। तो सबसे पहले ये आवर्त सारणी के अंदर द्वितीय जो खड़े खाने उनके अंदर स्थित होते हैं जिन्हें हम वर्ग सेकंड के तत्व कहते हैं। और इसमें कुल 6 तत्व है जिनके नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, रेडियम और बेरियम। और जो इनमें जो रेडियम होता है यह रेडियो एक्टिव तत्व होता है यानी इसका रेडियो एक्टिव से समय के साथ होता है। और ये सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं यानी ये जो धातुओं के जो गुण हैं वो सारे प्रदर्शित करते हैं। और जो इनके ऑक्साइड है ये सारे प्रकृति के होते हैं। और जो ये प्रकृति के अंदर जो आग्नेयशील है उनके उनसे ये प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें सारे मर्दा धातुएं कहते हैं और वर्ग सेकंड में ये पाए जाते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सारी मर्दा धातु के सुवेहता कोष है यानी जो बाह्यतम कोष होता है उसके अंदर एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये NH2 होता है, और इन धातुओं के सुवेहता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और इसलिए ये सभी NH2 यानी जो सेकेंड वर्ग है इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो इनकी जो भौतिक और रासायनिक गुण है ये भी लगभग समान होते हैं। अब है वर्ग सेकंड के तत्वों की परमाणु या आयनी त्रिज्या। जो सेकंड वर्ग के तत्व होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या जो जो प्रथम वर्ग के तत्व इनसे कम होती है, क्योंकि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक के जो आवेश होता है प्रभावी नाभिक आवेश उसके मान में वृद्धि होती है जिसके कारण जो परमाणु का आकार है सिकुड़ता है। इसलिए जो ये फर्स्ट वर्ग के जो तत्व उनसे तो छोटे लेकिन जो आवर्त के अंदर जो बाकी जो जो तत्व होते हैं उनसे बड़े होते हैं। और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता है क्योंकि प्रत्येक अवस्था में एक अतिरिक्त कोष जुड़ जाता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक एक कोष जुड़ता जाता है जिसके कारण आकार में वृद्धि होती है। और सेकंड वर्ग के तत्वों के आकार का क्रम निम्न प्रकार है। वर्ग में देखते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, इसलिए जो इनका क्रम है ये बेरिलियम से बेरियम तक निरंतर बढ़ता है। सेकंड वर्ग के तत्वों के धनायनों का आकार अपने जनक परमाणु से बहुत छोटा होता है, और धनायनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाने के कारण एक बाह्यतम कोष पृथक हो जाने के कारण जो सेकेंड वर्ग के तत्वों का धनायन का आकार है ये निम्न प्रकार से Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ इस प्रकार से निरंतर धनायनों का आकार बढ़ता है। लेकिन जो इनका आकार होता है धनायनों का ये अपने जो जनक परमाणु होते हैं उनसे छोटा होता है, क्योंकि जब ये धनायन बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ये जो स्थायी विन्यास है उसको प्राप्त करते हैं, इसलिए इनके आकार में कमी होती है। दूसरा जो इनका जो गुणधर्म है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, घनत्व। जो सारी मर्दा धातुएं होती है यह सघन और कठोर होने के कारण इनका जो घनत्व होता है ये सारी धातुएं यानी जो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उनसे इनका घनत्व ज़्यादा होता है। और सेकेंड वर्ग में जो तत्व जो घनत्व है यह बेरिलियम से कैल्शियम तक तो घटता है, और इसका कारण है कि जो ठोस जालक है उनमें परमाणु की जो कमजोर संकुलन व्यवस्था होती है यह है, और फिर यह कैल्शियम के पश्चात बेरिलियम तक यह जो घनत्व यह बढ़ता जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम में, जो कैल्शियम है इसके अंदर रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं जिसके कारण इसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने के कारण जो घनत्व है उसका मान मैग्नीशियम की तुलना में कम होता है। तीसरा जो इनका गुणधर्म है ये गलनांक और क्वथनांक। इनके बारे में पढ़ते हैं तो जो सारी मर्दा धातु हैं इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं सारी धातुओं से उच्च होते हैं। इनका कारण है जो मर्दा धातु की जो छोटे आकार तथा जो अधिक निमिड़ जो संकुलित संरचना होती है इसके कारण जो इनका गलनांक और क्वथनांक होता है ये सारी मर्दा धातुओं का ये सारी धातुओं से उच्च होता है। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो गलनांक और क्वथनांक इनमें कोई नियमित परिवर्तन नहीं होता है। चौथा जो इनका भौतिक गुणधर्म है यह आयनन एन्थैल्पी। तो जो सारी मर्दा धातुओं की जो आयनन एन्थैल्पी का मान होता है ये सारी है धातुओं की जो आयनन एन्थैल्पी है इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एन्थैल्पी के मान में वृद्धि होती है जिसके कारण सारी जो धातु है उनकी तुलना में सारी मर्दा धातुओं की जो आयनन एन्थैल्पी है ये अधिक होती है। और इन धातुओं की जो द्वितीय आयनन एन्थैल्पी का मान होता है सारी धातु की द्वितीय आयनन एन्थैल्पी से कम होता है। इसका कारण यह है कि जब जैसे कि ये जो प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं इनके अंदर जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो ये स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं जिसके अंदर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इनकी जो प्रथम आयनन एन्थैल्पी है यह तो द्वितीय वर्ग की प्रथम वर्ग से ज़्यादा होती है। जबकि ये जब स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं प्रथम वर्ग के तत्व तब जब इनसे हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि ये स्थायी विन्यास को त्यागते हैं। जबकि जो
जो द्वितीय वर्ग के तत्व है, या इनके पास दूसरा स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और त्यागना पड़ता है, अतः इनके लिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। अतः जो जो द्वितीय वर्ग के तत्व है, इनकी जो आयनन एन्थैल्पी होती है, द्वितीय आयनन एन्थैल्पी, यह प्रथम वर्ग के तत्वों से कम होती है। सोडियम धातु में दूसरा इलेक्ट्रॉन का संयोजी जो धनायन है, यह उत्कर्ष गैस विन्यास इससे निकलता है, जबकि Mg+ एक संयोजी धनायन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर उत्कर्ष गैस यानी नियोन जो गैस का जो विन्यास है यह प्राप्त कर लेता है। और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एन्थैल्पी का मान घटता जाता है, क्योंकि जो प्रभावी नाभिक आवेश है ये ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसलिए जो आयनन एन्थैल्पी का मान है ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। अतः ये निम्न प्रकार से बेरिलियम से बेरियम तक कंटिन्यू ये आयनन एन्थैल्पी का मान है ये घटता है। पांचवा जो इनका भौतिक गुणधर्म है, ये ज्वाला परीक्षण जो हमने सार धातुओं में देखी थी, वो भी अपनी जो ज्वाला होती है उसको अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करती है, उसी प्रकार जो सारिया मृदा धातु है यह भी अपनी ज्वाला को रंग प्रदान करती है। यहाँ पर जो द्वितीय वर्ग के तत्व हैं, इनके जो ज्वाला के रंग दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम के लिए ईट जैसा लाल, स्ट्रोंशियम के लिए किरमिजी लाल, बेरियम सेव जैसा हरा, और जो रेडियम ये किरमिजी लाल। बेरियम और जो मैग्नीशियम है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, अपने छोटे आकार और उच्च आयनन ऊर्जा होती है, इनके कारण इनका ये ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं, और ज्वाला से प्राप्त ऊर्जा है इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, और इसलिए जो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है इनकी ज्वाला पर कोई रंग प्रदान नहीं होता है। अब है सारी जो मृदा धातुएं, इनके रासायनिक गुण। जो सारी मृदा धातुएं होती है ये उच्च क्रियाशील होती है, क्योंकि ये जो इनके संयोजी कोष के ऐसे इलेक्ट्रॉन है इनको त्याग कर ये द्विसंयोजी धनायन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। इसका कारण है कि जो इन धातुओं की जो आयनन एन्थैल्पी है और जो उच्च ऋणात्मक अपचयन विभव इनके जो इनके मान है, इनके कारण जो इनकी जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति है उच्च होती है, क्योंकि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एन्थैल्पी इसका मान बढ़ता है और इनके आयनन एन्थैल्पी का मान कम होता है, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और आसानी से क्रिया कर लेते हैं। और जो सेकेंड वर्ग के तत्व होते हैं, इनकी जो क्रियाशीलता है फर्स्ट वर्ग के तत्वों से कम होती है, क्योंकि इनकी जो आयनन एन्थैल्पी है फर्स्ट वर्ग के तत्वों की, यह सेकेंड वर्ग के तत्वों से भी कम होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि आयनन एन्थैल्पी का मान ही ऊपर से नीचे जाने पर घटता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्रियाशीलता बढ़ती है। सबसे पहला जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें हम पढ़ रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रोड विभव है ये कम ऋणात्मक होने के कारण सारी मृदा धातुओं से में सबसे कम विद्युत धनी तत्व होता है, और इसलिए जो बेरिलियम है ये न तो जल के साथ और न ही भाप के साथ क्रिया करता है। यहीं पर जब हम मैग्नीशियम की जल से क्रिया देखते हैं तो जो मैग्नीशियम होता है सिर्फ उबलते जल से क्रिया करता है, और यह निम्न प्रकार से दो प्रकार से भी क्रिया करता है, मैग्नीशियम जल से भी क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, या फिर अगर ये दो आयतन जल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है ये सारी धातुएं यानी जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उनके समान अधिक ऋणात्मक होते हैं, जिसके कारण ये ठंडे जल से भी क्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और सारी मृदा धातु की जल के प्रति जो क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कंटिन्यू बढ़ती है। दूसरा जो इनका रासायनिक गुणधर्म है यह डाई ऑक्सीजन यानी O2 के साथ इनकी जो क्रियाशीलता, यह कम विद्युतधनी होने के कारण जो सारी मृदा धातु हैं ये सार धातुओं की तुलना में वायु या ऑक्सीजन के प्रति कम क्रियाशील होती है। बेरिलियम जो और जो मैग्नीशियम है ये गति के रूप से वायु में जलने पर बेरिलियम ऑक्साइड और जो बेरिलियम नाइट्राइड है B3N2 इनका मिश्रण बनता है। जब बेरिलियम है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो BeO यानी बेरिलियम ऑक्साइड, और जब नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरिलियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। वहीं जो मैग्नीशियम है यह अधिक विद्युतधनी होने के कारण वायु में अत्यधिक चमकीले प्रकाश के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वहीं पर जब ये नाइट्रोजन के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम होते हैं ऑक्सीजन के साथ अतिशीघ्रता से क्रिया करते हैं, और जो सारी मर्दा धातुओं की ऑक्साइड है यह धातु को ऑक्सीजन के साथ गर्म करके या इनके संगत जो कार्बोनेट है इनके तापीय अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं,
उदाहरण के लिए जब हम यहाँ पर कोई भी जो द्वितीयवर्ग की कोई धातु है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो धातु ऑक्साइड, जबकि इनके जो संगत हैं कार्बोनेट है उनको गर्म करते हैं तो जो धातु ऑक्साइड और CO2 निष्कासित होती है। वहीं जो बेरिलियम, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है ये मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जबकि बेरियम और स्ट्रोंशियम परोक्साइड बनाते हैं, यानी इनके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंद पाया जाता है। किंतु इन धातुओं का आकार छोटा होने के कारण सार धातुओं के समान सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। तीसरा जो इनका रासायनिक गुणधर्म है यह है डाइहाइड्रोजन के साथ इनकी क्रियाशीलता। जो बेरिलियम है इसके अलावा जो सारे मर्दा धातुएं हैं यह हाइड्रोजन के साथ सीधे ही गर्म करने पर MH2 यानी जो धातु हाइड्राइड है इनका निर्माण करते हैं। यहाँ पर कोई जो द्वितीय वर्ग का कोई धात्विक तत्व है जिसकी अभिक्रिया हम डाइहाइड्रोजन से करते हैं तो MH2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जहाँ पर M का मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। जब बेरिलियम हाइड्राइड का निर्माण करना हो तो BCl2 का LiAl(H4) के द्वारा जो अपचयन कराया जाता है और बेरिलियम हाइड्राइड का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर हम BCl2 की LiAl(H4) से जब क्रिया कराते हैं तो बेरिलियम हाइड्राइड बनता है, LiCl और AlCl3 का निर्माण होता है। और जो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं और सहसंयोजक यौगिक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण इनके अंदर बहुलक की संरचना निम्न प्रकार से पाई जाती है। कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और जो बेरियम हाइड्राइड होते हैं ये आयनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि जो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, और जो कैल्शियम हाइड्राइड है इसको हम हाइड्रोलिथ कहते हैं। चौथा जो इनका रासायनिक गुणधर्म है ये हेलोजन के साथ अभिक्रिया। जो सारी मर्दा धातु जो हेलोजन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके संगत हेलाइड का निर्माण करती है। यहाँ पर हम जब किसी द्वितीय वर्ग के जो धातु उसकी अभिक्रिया जब किसी हेलाइड से कराते हैं तो MX2 प्रकार के हेलाइड बनते हैं, जहाँ पर हेलोजन तत्व के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। और जो बेरिलियम का जो हेलाइड है यह सहसंयोजक प्रकृति का होने के कारण कार्बनिक विलायों में घुलनशील होता है, जबकि जो अन्य सारे मर्दा धातु के जो हेलाइड है ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। और वाष्प अवस्था में जो बेरिलियम क्लोराइड है ये क्लोरो सेतु द्विलग बनाता है, जो 1200 केल्विन के उच्च ताप पर रेत के एकलक में वियोजित हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका निम्न प्रकार से द्विलग बेरिलियम क्लोराइड का होता है, और जब 1200 केल्विन से उच्च ताप जब हम देते हैं तो ये रेखीय संरचना BeCl2 में ये टूट जाता है। पांचवा जो इनका रासायनिक गुणधर्म है ये द्रव अमोनिया में विलयन। जो सार धातु की तरह ये सारी मर्दा धातुएं ये भी द्रव अमोनिया के साथ क्रिया करके गहरे नीले रंग का विलयन बनाते हैं, जैसे कि हमने जो सारी धातु यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के अंदर देखा था द्रव अमोनिया से, उसी प्रकार से ये जो सारी मर्दा धातुएं हैं ये भी द्रव अमोनिया में विलयन बनाते हैं। यहाँ पर जब हम किसी सेकेंड वर्ग की धातु है उसकी जब हम अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो M+X+Y(NH3) है, यह MnH3X+2 और +2 इलेक्ट्रॉन NH3 का 4, और ये इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार से ये अभिक्रिया करते हैं। और सार धातु के विलयन में जो NH3 को वाष्पित करने पर धातु पुनः प्राप्त होती है, जबकि सारी मर्दा धातु के विलयन से NH3 को वाष्पित करने पर धातु के जो हेक्सामोनियट है ये प्राप्त होते हैं, जो धीरे धीरे अपघटित होकर संगत धातु एमाइड में बनाते हैं। ये निम्न प्रकार से इनकी अभिक्रिया है, जो धातु धातु के जो हेक्सामोनियट है MnS3 6, ये धातु एमाइड में MnS2 2 2 में +4NH3+H2 में टूटते हैं। अब है कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। हमारे दैनिक जीवन के अंदर कई कैल्शियम के जो यौगिक है जो काम आते हैं, इनमें से कुछ प्रसिद्ध यौगिक है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और Ca(SO4)½H2O, Ca(SO4)₂H2O, सीमेंट आदि। इनमें सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना CaO। इसका निर्माण पढ़ते हैं किस प्रकार से इसका विघटन किया जाता है। जो चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको घूर्णित भट्टी में 1070 से 1270 केल्विन ताप पर गर्म करके व्यावसायिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको 1070 से 1270 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर टूटता है, जो गैसीय अवस्था में निकलती है, और इसके अंदर जो एंथैल्पी परिवर्तन है ये 179.9 किलोजोल होता है। अब है जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसके भौतिक गुण, यानी ये अक्रिस्टलीय स्वेठोस होता है,
और इसका गलनांक है जो 2570 केल्विन होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड पर ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला डालने पर जो श्वेत प्रकाश है ये उत्पन्न होता है, जिसे हम लाइमलाइट कहते हैं। अब है बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके रासायनिक गुण जिसमें सबसे पहले वायु से क्रिया, तो ये नम वायु इससे क्रिया कर कर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और बाद में ये जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। जो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना है यह नम वायु यानी जो जलवाष्प है इससे क्रिया कर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे क्रिया करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्रदान करता है। दूसरा जो इसका जो रासायनिक गुणधर्म है कैल्शियम ऑक्साइड का, यह है जल से क्रिया, तो जल में घोलने पर यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, और उत्पन्न ऊष्मा से कुछ जल वाष्पित हो जाता है, और जो चूना है गर्म होकर धीरे धीरे बिखर जाता है, और इस बिखरने की क्रिया को चूने का बुझना कहते हैं, और इसके कारण जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी जल से अभिक्रिया देखते हैं, तो ये अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है जिससे जो चूना ये बिखर जाता है, और जो प्राप्त होता है चूना उसे हम बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसके अंदर जो 67 किलोजूल प्रति मोल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीसरी है अम्लो और अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये सारी ऑक्साइड है, अतः अम्लो तथा अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाएगा, और इस प्रकार से उदासी किरण अभिक्रिया होती है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है सारी है ऑक्साइड होता है, और यह अम्लो से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जैसे HCl से क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, इसी प्रकार से जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये H2SO4 से क्रिया करता है तो CaSO4 और जल प्रदान करता है। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 सिलिका से करता है क्रिया तो CaSiO3 बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड P2O5 से क्रिया करता है तो Ca3PO4 ट्वाइस प्रदान करता है। चौथा जो रासायनिक गुणधर्म है कैल्शियम ऑक्साइड का, यह अधातुओं से क्रिया, तो जब यह अधातु कार्बन से और क्लोरीन से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बाइड, और जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। फिर अमोनियम लवणों से क्रिया, और यह अमोनियम लवणों से क्रिया कर कर अमोनिया मुक्त करता है, यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड है ये अमोनियम लवणों से क्रिया करता है तो अमोनिया मुक्त करता है। अब है कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे चूने के उपयोग, इनमें सबसे पहला है धातु कर्म में सारे गालक के रूप में, दूसरा कांच सीमेंट और पोटरी बनाने में, कैल्शियम कार्बाइड बनाने में, जल शोषक के रूप में एल्कोहल और गैसों को शुष्क करने में, अमोनिया और सोडा लाइम बनाने में, सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का एक प्रकार का मिश्रण होता है इनके निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग, और भट्टियों में जो बेसिक अस्तर होता है उसको बनाने के अंदर, और संक्रमणकारी तथा जो रोगाणुनाशी होते हैं इनके रूप में भी जो कैल्शियम ऑक्साइड इसका उपयोग होता है। अगला जो कैल्शियम का जो हमारे पास जो यौगिक का ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर के नाम से जानते हैं, तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है हम पढ़ेंगे। प्रकृति के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये चूने के पत्थर और जो संगमरमर है इसके रूप में पाया जाता है, और इसे लघु स्तर पर निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। इनमें पहला है जो बुझा हुआ चूना है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जो सीमित मात्रा के अंदर गुजारा जाता है तो विलयन होता है या दूधिया बन जाता है। इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी बुझा हुआ चूना है इसकी जब सीमित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी विलयन दूधिया हो जाता है और जल प्राप्त होता है, और जब हम गैस को आधिक्य में गुजारते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, और जिससे जो विलयन का दूधियापन है यह समाप्त हो जाता है। दूसरा तरीका इसके निर्माण का कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 और जो कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, इनके जो जलीय विलयनों के बीच में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है Na2CO3 प्लस CaCl2, तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। अब है इसके गुण, यह सफ़ेद रोएदार अक्रिस्टलीय चूर्ण होता है तथा जल में बहुत ही कम घुलनशील होता है, और 1200 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह CO2 गैस मुक्त करता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को 1200 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तीसरा जो इसका गुण है यह
तनु खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। जब हम इसकी खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे HCl है, तो एक कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, और जब H2SO4 से क्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट CSO4 और H2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। अब है कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग। अब है कैल्शियम कार्बोनेट एंड संगमरमर के उपयोग, जिनमें सबसे पहले है जो कैल्शियम कार्बोनेट एंड संगमरमर होता है, ये इमारत बनाने वाले पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है, यानी जो आंगन वगैरह है इनके अंदर जो संगमरमर लगाई जाती है, और ये बिना बुझे चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड है इसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। 1200 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब ये Na2CO3 के निर्माण की जो सालवे विधि है इसके अंदर भी जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका उपयोग होता है, और जो आयरन का जो धातु कर्म होता है उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट है इसका उपयोग होता है, और जब पूर्ण शुद्ध रूप से यह दंत मंजन और सौंदर्य प्रसाधक है इनके रूप में जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर होता है इसका उपयोग किया जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद।